अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने कहा कि आप किसानों को बरगला रहे हैं, आप किसानों को कंफ्यूज कर रहे हैं, पहला सवाल मेरा ये है। दूसरा ये है कि अब विपक्ष के कई नेताओं ने ये भी कहा कि राहुल गांधी हैं जो एक लड़ाई लड़ रहे हैं इस करंट इक्वेटोरियल रेजिम से, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको एक बड़े रोल में आके अभी मुझे हाँ ये अटेम्प्टेड डिस्ट्रक्शन है, ये अभी फुल डिस्ट्रक्शन है, ये अटेम्प्टेड डिस्ट्रक्शन है, बट ठीक है। देखिए जो उनके दिल में है वो मेरे बारे में कहते हैं। सरकार किसानों को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है, सरकार कह रही है किसानों को कि देखिए बात करिए हमसे, 10 बार बात हो गई, 9 बार बात हो गई, वो तो सरकार घसीटती जा रही है। तो रियलिटी किसान जानते हैं, और राहुल गांधी कौन है क्या करता है हिंदुस्तान का हर किसान जानता है। किसान जानता है भट्टा परसौल में नड्डा जी नहीं खड़े थे, मैंने तो उनको नहीं देखा। लैंड एक्विजिशन समय नड्डा जी तो नहीं खड़े थे, मोदी जी तो नहीं खड़े थे, राहुल गांधी खड़ा था। तो जब किसान की जमीन का मामला था वहां पर कांग्रेस खड़ी थी, जब किसानों के कर्जा माफ करने की बात आई थी वहां कांग्रेस खड़ी थी। नड्डा जी कहां थे, मुझे तो नहीं दिखे। थैंक यू। कैन वी गो टू एबीपी आशीष? और ये मैं आपको एक और बात बता देता हूं। देखिए मेरा कैरेक्टर है, मैं ना नरेंद्र मोदी से ना इन लोगों से डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं साफ सुथरा आदमी हूं, मुझे ये छू नहीं सकते, बात समझिए। हाँ गोली से मार सकते वो अलग बात, मगर छू नहीं सकते। और मैं देशभक्त हूं, मैं अपने देश की रक्षा करता हूं, ठीक है, और मैं करता जाऊंगा। मैं अकेला खड़ा हो जाऊंगा, पूरा देश अलग से दूसरे साइड हो जाएगा, मगर मैं अकेला खड़ा होकर खड़ा हो जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरा धर्म है। मैं उनसे भी ज्यादा फनेटिक हूं, ठीक है। और यहां क्या हो रहा है, जिस चीज के लिए देश लड़ा था 70-80 साल पहले वो फिर से हो रहा है।